यहाँ पे कार पार्किंग इस तरह से लगाई जाती है, वो हमने कार लगाई है और ये हम उसका टोकन निकालने लगे हैं। जल्दी है हमें, मैंने हिलना नहीं है, भागना भागना नहीं, भागना नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं? ठीक है। अदील, आप इतनी स्पीड से भागे हो कि मैं भी उतनी स्पीड से, क्योंकि मैंने हिल पहनी नहीं। भागना नहीं है, भागना जी, नहीं है। हम बहुत ही तारीखी 155 years ओल्ड एक जबरदस्त बिल्डिंग है रॉशडेल टाउन हॉल की, वहां जा रहे हैं। यहाँ रॉशडेल के मेयर आज एक एजाज से नवाजने जा रहे, एक सरप्राइज है। किसके लिए? मेरे लिए। नो फीस्ट ऑन जी, के गेस्ट। बिल्डिंग दिखाए हैं आलिया नहीं, मैंने क्योंकि दिखा दिया, आप वो हाँ, सरप्राइज का क्योंकि कुछ बता रहे थे। जी मैं सरप्राइज बता रहा हूँ कि हमें जरा थोड़ा जल्दी है। ये सरप्राइज है आलिया के लिए, आज जो मेयर हैं रॉशडेल के वो एक एजाज से नवाजने जा रहे हैं आलिया अली जी को, तो बताए भी हम जा रहे हैं आप मुझे, और अच्छा ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक है, मैं बताता रहा हूँ, अब आप 2 मिनट ठहरे। बता भी दिया है ना मुझे। बिकॉज हम यहाँ से लोग 5 मिनट लग रहे हैं वॉक के, और वो मेयर साहब की आगे भी मीटिंग है, तो इट्स गोना बी अ टफ वॉक फॉर आलिया विद दीज शूज। दिखा दें आप, आपने शूज कौन से पहने? लाइव सिंगिंग, हाँ, लाइव सिंगिंग हो हाँ रही है यहाँ पे। दिखाएं, नहीं दिखाएं लोगों को ये डेम गेस्ट फील, ये दिखाएं क्या लिखा हुआ। आप जल्दी आइए आलिया, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग है और आप किधर फिर रही हैं? यार मुझे आहिस्ता भगा, ये देखे, मैंने इतनी बड़ी हील पहनी हुई है और आजे मुझे भगा रहे। कभी आजे 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 आजे, भागे बगैर काम नहीं चलना। कभी ये अदील कभी हील पहन के किसी को भागते हुए देखा? नहीं, ये देख ले, लंदन की सड़कों पे आलिया अली भाग रही हैं। ओह माय गॉड, ये देख ले, ब्लैक कैप करवा लें। ये देखिए, रॉशडेल के टाउन हॉल में डिप्टी देख लीडर जो हैं रही अदालत अली साहब, वो आलिया अली को रिसीव करने के लिए, और आलिया अभी तक हूँ अपना फैशन कंप्लीट करने कपड़े कैसे आप? ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक है, खैरियत से है, थैंक कपड़े यू। हियर वी गो नाउ। आपको जो सरप्राइज की बात की थी, तो यहाँ मिलने वाला आलिया अली को, यस, आर यू एक्साइटेड? आई एम सो एक्साइटेड। चैलेंज जी, अदालत ली और माजिद भाई का बहुत शुक्रिया। थैंक अच्छा ठीक, यू ऑलवेज, आई थिंक ऑलवेज। I will tell you something about this. ओके, This was built after. That's beautiful. अभी 17 फ्लोर है. ओ माय गॉड, No. So the river outside is beautiful. ब्यूटीफुल। ये बाहर जाके, बाहर जाके करते हैं। जब मूसा ने इस्लाम दिए जी कमरे पर गए, उन्होंने उस लड़की को पानी दिलवाया। ओके, ये नहीं, औरत सलामी को पीछे चलना चाहिए और मर्द को आगे चलना चाहिए। मर्द अगर आगे चलेगा तो शरीफ है। आप शरीफ बोले क्या? आगे तो थैंक जब बोले ये था अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम।
As a true patriotic Kashmiris, we can do that first. The cabinet member for disabled people, adult services, and adult services are our pure shahar ki uske head. Wow. So ye karte hain. प्लानिंग बहुत जरूरी है, मतलब वो किसी भी तरह की हो, वो बैड हो, वो पॉजिटिव हो, प्लानिंग तो प्लानिंग है ना. गुड प्लानर यू कैन गेट डिलीवर्ड. यस, वी विल गेट अदील भाई. अदील फ्रेंड ऑफ आवर्स. या वी मेट, यस, मेनी टाइम. या मिस्टर में बड़ा बिजनेसमैन भी है और बड़े सोशली भी एक्टिव है. अच्छा अच्छा. और अदील भाई आलिया का मेरे से बेहतर तारीफ करवाते हैं. जी शुक्र भाई. आलिया अली, शी इज माशाल्लाह फेमस टीवी एक्टर. She's working in a lot of famous TV dramas, serials, and she's very good human being, basically, actually. हमारी दोस्ती अच्छे इंसान होने की वजह से, ना कि ये सेलिब्रिटी है और उस वजह से है. So she's very down to earth, very humble, और बहुत सारी activities ये करती रहती हैं, charity के काम करती हैं. और ये यहाँ आने की वजह भी एक दो programs हैं, shoots हैं, charity event माजिद भाई का. So she's here. हाँ जी. So special ये आई है इसीलिए. तो इनका दिल था कि जो भी prominent पाकिस्तानी who did a lot like you 2012 से, आलिया आपको बताऊं कि शकील अहमद साहब ने जी तो जी 2012 से माशाल्लाह he's continuously winning और he's very hard working gentleman. He's working his own business as well. और फिर उसके साथ community की जो services हैं, जितने काम यहाँ पे, ये प्लानिंग का जैसे बताया अदालत अली डिप्टी जो हमारे लीडर हैं यहाँ रोशदिल के, तो माशाल्लाह उस यही समर है इनके जीतने की कंटिन्यूसली की वजह कि आज ये माशाल्लाह मेयर ऑफ रोशदिल है. और ये बड़े एजाज की बात है हम सब पाकिस्तानियों कश्मीरियों के लिए कि ही इज सर्विंग द पीपल ऑफ रोशदिल नाउ एज अ फर्स्ट सिटीजन. जी ये बदमाश है. कौन बदमाश है जी? आप बदमाश हमारे छोटे भाई है. अच्छा अच्छा. ये मेन के ऑफिस को हैंडल करते हैं. ठीक. ही रन द शो. ही इज द डायरेक्टर ऑफ द शो. बेसिकली ही इज द बेसिक मैन. ही इज द मैन हु रन द एस्टैब्लिशमेंट. एस्टैब्लिशमेंट ऐसे हम पाकिस्तान का था ना, प्राइम मिनिस्टर के साथ या बड़े बुजुर्ग के साथ एक यूनिफॉर्म वाला होता है. ये नॉन यूनिफॉर्म है एस्टैब्लिशमेंट. एक जगह इकट्ठा करना. थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन. थैंक यू. हाईली अप्रिशिएटेड. रिकॉर्डिंग की वजह क्या है कि इनकी जो सोने के अलावा जो भी एक्टिविटीज है वो रिकॉर्डेड. नो, शी इज डूइंग व्लॉगिंग एक्चुअली. सो मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स अराउंड द वर्ल्ड इन पाकिस्तान एज वेल. यू आर क्यूरियस अबाउट हर के जो बाहर गई हैं पाकिस्तान से तो वो क्या एक्टिविटीज कर रही हैं. और दिस इज अ प्राइड मोमेंट. बहुत ज्यादा इंतजार होता है कि जब मैं बाहर के मुल्कों में जा रही हूँ तो मैं वहाँ क्या कर रही हूँ, मैं किससे मिल रही हूँ, मेरी एक्टिविटी क्या है, मैं लोगों को क्या दिखा रही हूँ, वहाँ का क्या कल्चर है, पॉजिटिव फेस. और लोग बहुत पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं. तो मेरे उन व्लॉग्स में से एक व्लॉग ये भी है कि मैं यहाँ पे आई और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने जितने भी गपशप हम कर रहे हैं हमने स्टार्ट से कैमरा ऑन किया और नेचुरल है सब. इसमें कोई बनावटी चीजें नहीं और कोई रीटेक नहीं और कुछ भी नहीं. तो मैं एक ऐसी जगह पे बैठी हूँ कि जो कि बहुत प्राउडफुल मोमेंट है मेरे लिए, पाकिस्तानियों के लिए, बिकॉज सबसे बड़ी बात होती है कश्मीरियों के लिए. हाँ, तो बहुत चंगी गल. हाँ, कश्मीरी झंडा भी लगा हुआ है. तो हाँ, बिल्कुल लगा हुआ है. तो
बेसिकली करना तो यही था बेसिकली मुझे बुलाना था तो या थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत शुक्रिया मेरे ब्लॉग्स देखने के लिए और आज का ब्लॉग देखा. आई थिंक अ बिट अबाउट द मेयर. जी जी. आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस. ओके. जो आपके भी व्यूअर है ना उनकी भी बहुत सी मिसकंसेप्शन होती है मेयर होता क्या. यस प्लीज बताइए. जी जी. यहाँ पे जो है ना डेमोक्रेसी वो दो लेवल की है. एक ये है जो पार्लियामेंट है, बल्कि तीन लेवल की है. एक तो उसको आप सब कॉमन्स कहते हैं कि कॉमनर्स जो है जो इलेक्शन लड़ते हैं तो आप सब कॉमन में जाते हैं पार्लियामेंट में, जिनका हेड प्राइम मिनिस्टर होता है. एक है हाउस ऑफ लॉर्ड्स. हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है वो क्वीन के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में सेनेट है किंग. तो उसको जो पार्टीज होती हैं वो नॉमिनेट करती हैं, जो सीनियर पॉलिटिशियंस होते हैं या जिनकी वो अचीवमेंट होती है. कुछ इस तरह भी फंडर्स भी होते हैं, पॉलिटिक्स इज पॉलिटिक्स, जो फंड करते हैं वो भी चले जाते हैं. ठीक. हाउस ऑफ लॉर्ड्स होती है तो पार्लियामेंट में जो बिल होता है ना वो हाउस ऑफ लॉर्ड रेक्टिफाई करता है. अगर वो नहीं करता है तो फिर वो वापस भेज देता है, इसको रिव्यू करो विद रिकमेंडेशन. उसके बाद ये लोकल अथॉरिटी या लोकल काउंसिल्स हैं, जिस तरह लाहौर है, कराची है, उसकी लोकल अथॉरिटी होती है. उसमें भी दो किस्म के मेयर, तीन किस्म के मेयर होते हैं. एक मेयर होता है जो इलेक्टेड मेयर है, जिस तरह अंडी बर्नम है या सादिक खान है लंदन में. उनकी अपनी कैबिनेट होती है, उनका अपना बजट होता है, उनको वो इस तरह करते हैं. दूसरा होता है कि यहाँ पे सिटीज होती है. जो सिटी होती है ना उसमें कैथीड्रल होता है मजहबी तौर पर, वहां का जो मेयर होता है वो लॉर्ड मेयर होता है. Okay. जिस तरह राष्ट्रीय एक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ का मेयर होता है. मेयर क्या होता है, एक काउंसलर होता है. तो बाकी काउंसलर जो है उसको वोट करते हैं, तो वो मेयर बनता है, तो वो फर्स्ट सिटीजन हो जाता है. वो काउंसिल की मीटिंग जो है उनको प्रेसाइड करता है, जिन्होंने चेयर करता है काउंसिल की मीटिंग्स को. फिर वो एक किस्म का शहर का एम्बेसडर होता है. वो शहर को मार्केट करता है दूसरे शहरों के साथ, दूसरे मुल्कों के साथ, सेलिब्रिटी के साथ, लोगों के साथ. तो फर्स्ट सिटीजन इज अ वेरी वेरी बिग असर. वो एक साल के लिए होता है, लेकिन दो साल के लिए भी हो सकता है. जिस तरह के ओल्डर में हुआ है, इस तरह वो वोट दे दें तो दो साल के लिए भी हो सकता है. सो इसके बाद जो है ना बहुत से हमारे जो अमूमन ये होता है कि जो काउंसलर्स एंड ऑफ देयर करियर होते हैं ना वो काउंसलर बनते हैं मेयर, बाद में रिटायर हो जाते हैं. तो हमारे एक दो काउंसलर यंग बने थे, तो एक मिनट में वो दरवाजा खोल रहे हैं गोरे, तो वो जा रहे हैं, रेड कारपेट हो रहा है. दूसरे मिनट वो मेयर नहीं है, वो डिप्रेशन में चले गए. फिनिश होगी ना सारी कैरियर खत्म हो गया एक साल के लिए, वो डिप्रेशन में चले. तो इसकी जो लाइन होती है ना वो आप देख रहे हैं ना, वो क्वीन का रिप्रेजेंटेटिव है. okay. तो यहाँ वो क्वीन थी आप के लिए जो चार्ल्स जो हमारा किंग है चार्ल्स जो किंग चार्ल्स है ना ये वाले जी, ये भी वो फोकस कीजिएगा. वो है डिफेंडर ऑफ द फेथ जी. वो है डिफेंडर ऑफ द फेथ. ओके. कि जितने भी मजाहब है ना, इस्लाम है, जुडाइज्म है, क्रिश्चियनिटी है, बुद्धिज्म है, सब मजहब है ना, उनका डिफेंडर जो है ना फेथ का डिफेंडर किंग है. ओके. और उसके ऊपर है पोप. या सो जो वेटिकन सिटी है उससे जो है ना फिर वो आता है. और कुछ लोग जो है ना सोशलिस्ट, मेरी और इफ्तिखार की तरह हम मेयर नहीं बनते क्योंकि वो हम सोशलिस्ट है और ये डिफेंडर ऑफ द फेथ है. तो जिस तरह आलम ब्रैड था, वो बहुत से ऐसे काउंसलर है जो बहुत सीनियर पोजीशन में रहे लेकिन वो मेयर नहीं बने. लेकिन ये बहुत बड़ा एजाज है हमारे लिए और सबके लिए, बीन अ फर्स्ट सिटीजन. और इनका जो एम पीज है या लॉर्ड्स है, अगर वो भी इनके सामने आए तो इनको वो भी ये करेंगे यो वर्शिप. So, आज आप जो है ना फर्स्ट सिटीजन के और आप पहली, मेरा ख्याल है कि वाओ, मेरे सब को बताए, जरा दिखाए मेरे सब क्या कह रहे हैं. बताए जी जरा मेरे सब क्या कह रहे हैं. मेरे सब
थोड़ा क्लोज करिए. देखो नॉर्मली द प्रोटोकॉल इज वी डोंट टेक एनीबॉडी इन ऑफिस अनलेस 2 weeks नोटिस. ओके मजीद साहब से रिक्वेस्टेड सो वी मेड अ स्पेशल अरेंजमेंट फॉर योरसेल्फ. थैंक यू. नॉर्मल प्रोसीजर इज मिनिमम 2 weeks नोटिस रिक्वायर्ड. ओके इफ एनीबॉडी वांट्स टू कम एंड विजिट मेयर्स ऑफिस. ओके यू आर द फर्स्ट वन बिकॉज़ आई वाज इलेक्टेड लास्ट वीक. And this is first week I actually came. Pehla bata hai jo mayor office and you the first one to come to mayor office. Wow. So, Aliyah ji, ye to aap thank you. Ab meri bhi ho jaye. I'm so lucky. Thank you. I'm blessed. Yes. Keh sakte hain. So thank you so much once again. Uska aankh bhi thak gaya. Haan, chaliye. Thank you. How are you? And he keeps saying it's me. It's not. It's you. You coming to cabinet tonight? Yes, of course. I've got stuff to give you for your returns. No returns. So I'm going to be with. No, that's not going to be there. That's our leader. I call him glorious. System So maybe. Yeah, Ali, born in Lahore and brought up in Karachi. Yeah. All right. She's a blogger. We've got loads of bloggers here. She's a famous actress. I'm an actress. Okay. I'm a blogger. And she's an actress and she's worked in many dramas and films and they're still going on. And she's a friend of Majid. You know Majid. I do know Majid. Majid brought her here and... our friend from Manchester. Adil. Especially here for the event we're hosting. On Saturday. You're coming to that, aren't you? What is it now? Just remind me. Gala dinner. The gala dinner. I think I've got an invite. Yeah, let me just check. If I've not, I have gone there. I have now, haven't I? I've emailed you and WhatsApp you. All right. And, okay. And that's Daniel Meredith. That's my boy. I'm responsible for all the development. Okay. So I'm to tell you. Regeneration. Houses. And Pani. Before he became mayor, Daniel was his boss. Daniel, I've got you saved on the screen. I couldn't find your email. I wanted to send you an invitation. Yeah, I'll give you. Do you want me to give it you now? Daniel.meredith@rochdale.gov.uk. Yeah. Straight away. Yeah. So can you see? Yeah. On Friday, I saved it. I was going to send it to Mr. Ali to give you your email. But if you can either email or WhatsApp, whatever. Whatever, yeah. Okay, if you just give me your WhatsApp, I'll WhatsApp it to you right now. It'll be nice to have you on Saturday evening. And that project, are you going? The disability project is the man. Wow. Are you going, Uncle? No, we've got a number of projects. Is it nice to me, Uncle? So Mr. Neil can speak some words in Urdu as well. Yeah. So what words you can do? So it's very interesting. I'm not going to say the words because you're recording it, but I know all the bad words. Okay. Mera Nam Councillor Neil Emmett here. And where are you from? Mera Makan Haywood Mehe. Wow. That's a good word. Salvi Kachandaho Ya Aftabaho Yohum. Yohum kuda kikasam la jawab. Wow. That's incredible, Neil. We can't expect a leader of Rochdale can understand Urdu and he can sing as well. You speak very well. Very clear words. Okay. I don't know a lot, but I am a linguist, so that's why I'm interested. My degree's in Spanish and French. Wow. Okay. So on a Saturday evening, Neil is singing. No, he's not singing. That's lovely to meeting you, Neil, and we're right, blessed. Folks. Yeah. Yeah. Khuda hafiz. Thank you. Thank you. See you tonight. Yeah. See you tonight. Nice to meet you. Bye bye. जी आलिया, आप क्या करने जा रही हैं? मेयर शकील अहमद साहब ने आपको प्रिविलेज किया कि आप फर्स्ट उनकी गेस्ट हैं जो आप मेयर ऑफिस में आई हैं और पहली आप लेडी हैं कि जो आप विजिटर बुक को साइन करने जा रहे हैं। लास्ट जो मेयर जो यहां से गए थे उन्होंने साइन किए हैं और उसके बाद आपके पहले सिग्नेचर होंगे क्योंकि 15 को ये लास्ट सिग्नेचर हुए हैं। ठीक है, ये वाले। जी 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 और
मेयर के बाद जो सेकंड सिग्नेचर्स हो रहे हैं वो मेरे हो रहे हैं और आप यहाँ फर्स्ट वन है इनके दौरे अहद के अंदर के जो आप साइन कर रहे हैं। सो लकी और मेरे लिए वही वाकई बहुत प्राउडफुल मोमेंट है और एक पाकिस्तानी होने के नाते मैनचेस्टर में आकर देखिये हम लोग एज ए आर्टिस्ट सेलिब्रिटीज हैं, ये हमारे मुल्क के सेलिब्रिटीज हैं, तो एक्चुअल सेलिब्रिटीज ये हैं, वी आर नथिंग। ठीक है हम काम करते हैं, आप लोग हमारे काम की वजह से हमारे फैन हैं, एक्टिंग की वजह से हमारे फैन हैं, लेकिन एक्चुअल जो काम करते हैं वो ये लोग करते हैं और मेरे लिए वाकई ही बहुत प्राउड की बात है कि एक मेयर के सामने और लास्ट जो मेयर थे उनके बाद मैं साइन कर रही हूँ, तो सीरियसली आई कांट एक्सप्लेन। थैंक यू सर, thank you so much. You. Today is day 28 चले जी, मैंने अपना नाम भी लिख दिया, आलिया अली एक्ट्रेस, आज की डेट भी डाल दी और आई एम फ्रॉम पाकिस्तान कराची अल्हम्दुलिल्लाह। और थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मुझे इतनी ऑनर देने के लिए और आप सबका भी बहुत शुक्रिया और आप लोगों का थैंक यू कि आप लोगों ने मुझे यहाँ तक लाने में मेरी मदद की और आपका बहुत शुक्रिया हमें वेलकम करने के लिए इतनी इज्जत देने। यू नो साइनिंग सेरेमनी आपने क्या साइन कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मैं सबके साथ आपके फैन वैसे वेट तो कर रहे होंगे, बहुत ज्यादा पूछते होंगे, बहुत ज्यादा वेट हो रहा है और बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं बाहर शादी कीजिएगा। अच्छा चले तो रेडी है यहाँ काफी लोग। One is out, so we got more audience. चले जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, फॉलो कर दे और आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया मेरे ब्लॉग देखने के लिए और आई एम ब्लेस्ड, ये मेरे अल्लाह का एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बनाती हूं, अब मैं बनाती हूं। चले जी 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 चले जी, ये आप कहाँ साइन कर रहे हैं? ये भी आपकी डिसीजन रहेगा। मैं एज ए विटनेस साइन। अच्छा ये देखे जरा, खुद ही बात को छेड़ के अब खुद निकल रहे हैं अंदर से, ये सिर्फ विटनेस है। थैंक यू सर। दिस इज अनदर प्राइड मोमेंट फॉर आलिया अली, फर्स्ट टाइम मेयर शकील अहमद एक ब्रॉचल काउंसिल का बैज जो इजाजी तौर पे एक बैज लगाया जाता है वो पहले आप विजिटर हैं जिनको दिया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, इट इज वेरी ब्लेस्ड मोमेंट फॉर यू। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सर। आप भी करीब आ जाइए। Wow. Thank you so much, this sir. This is very wonderful moment for Anya. Thank you. Officially, you are get that badge. Thank you, sir. So, I think, is there anything else? Certificate. Yeah. So, your certificate, you're getting a certificate hai jo Mayor Sahab appreciation certificate aapko de rahe for service of entertainment and film. So, मेयर साहब को आपके बारे में पहले से पता था, बहुत जबरदस्त, ये बड़ा सरप्राइज है आपके लिए और वंडरफुल मोमेंट, कांग्रेचुलेशंस। मैं जितना भी शुक्रिया बोलूं बहुत कम है, सीरियसली आई एम ब्लेस्ड। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अदील आपका बहुत बहुत शुक्रिया, माजिद आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप मुझे यहाँ तक लाए और आपके आने का शुक्रिया, आपका इज्जत देने का कि आपने मुझे बताया कि आप आ रही हैं और स्टेट मेरे पास आ रही है। थैंक यू। चले जी आप सब लोगों को अब बाय बाय और कैमरा बंद होने के बाद जो मैं आपको थैंक यू बोलूंगी ना जी वो किसी ने दुखना ओके सर दुखना।
ओके जी बाय बाय। दोस्तों में इस तरह चलती रहती है बात। आप कुछ कह रहे थे थैंक यू पे, क्या 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 बोलिएगा? एक सेकंड में आपके पास आ रही जी, क्या कह रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? आप और साहब जो है ना एक दूसरे को थैंक यू इस तरह कर रहे हैं। अदील साहब मेरे दोस्त हैं, शमस रहमान साहब और उनके कजन है अतीक साहब, तो एक जमाने में उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक दूसरे को चौधरी कहे। जब वो घर आते थे ना तो शमस साहब कहते थे चौधरी अतीक साहब आपका क्या हाल है, तो वो कहते थे चौधरी साहब ठीक हो। तो जो शम्भू उनका चाचा ही था और शमस का फादर इन लॉ, उसने कहा तो आपस जो चौधरी आने वो और भी कोई तो सही चौधरी। ये तो जबरदस्त बात कर दी सर, बैठ ही गई इससे पहले मैं गिर जाती, मैं सोचा बैठ ही जाऊं। तो आपस चे लगे हो तक तक जेड़े चांद नहीं होना शुक्रिया। ये तो बहुत फन हो गया सीरियसली। ओह माय गॉड, टी कॉफी वाली केक बहुत मजे का। अब हम चौधरी एक दूसरे को नहीं कहेंगे चौधरी, इनका शुक्रिया अदा। सही कह रहे हैं सर आपसे जी, बस enough I think जी। आलिया ये देखें कि आप देख सकती हैं कि ये जो बर्तन है यहाँ हर चीज जो इस ऑफिस मेयर ऑफिस में है वो प्रॉपर आपको नजर आ रहा है कि जैसे क्वीन और किंग की तरफ से हर चीज के ऊपर लोगोज हैं यहाँ पे, उनकी चीजें प्रोजिटल काउंसिल के लोगो है, तो ये सारी चीजें आप प्रिविलेज के तौर पे ले सकती हैं। बहुत हिस्टोरिकल मोमेंट है ये सर। मैं सब इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन नहीं किया ज्यादा जो हमने इसका हो गया हाँ, आप इधर आ जाए, अली आ जाए, दोनों खड़े हो जाए, हाँ आ जाए। तो नाज़िम कैन एक्सप्लेन बेटर क्योंकि वो काउंसिल मीटिंग ही होती है। हाँ हाँ जी जी। सो दिस इज आवर मेज जी, दिस इज वर्थ अ लॉट ऑफ मनी। वाओ, I'm not supposed to tell you, but you don't need pounds. So yeah, we carry this for formally at the full council meeting. Mm-hmm. So the meeting can't go ahead if this isn't put in front of the mayor. Wow. Oh. Mm. Usually somebody from the team will carry the mace and parade the mayor and the chief exec. And so is there any diamonds we can see there as well? Yeah, so there's diamonds at the top. Wow. Okay. It's recently restored, so it was in bad condition. So 2 years ago, we got it restored. For how many years this one, like in a mayor office? This has been going on for the 18th century. 18 centuries? Oh. 1856. Wow. And what about the mayor, you know, that... So this is real gold as well? Mm-hmm. This is, if you just touch it, it's quite heavy. Quite heavy. Ali, you can touch it. Wow. Can't have it, but you can. Lekin dasna nahi hai. Touch it. Got rubies and emeralds. Wow. The mayoress's chain has got rubies and emeralds, diamonds. Hmm. Wow. मैंने कहा टच करके भी देख लूँ। Represent different townships. Oh. Like Hayward, Middletown, Little Borough. Yeah, these are little townships. Okay. So it's a borough wise. So yeah, represent each township. Wow. Hmm. ब्रेकिंग न्यूज बनाने वाले So what's that? So that's our town hall. That's town hall, oh yeah. Rochdale Town Hall. So it's a beautiful view. I think
आलिया एक दफा फिर आप प्रिविलेज हैं कि इस जगह पे मेरा ख्याल है बहुत कम लोग मेरे साथ बताएंगे कि नहीं आ सकते. ये जो व्यू है रोशदिल का इट्स ब्यूटीफुल जी. ये टाउन हॉल आई जाएगी. हिस्टोरिकल जो है ना वो प्रोमिनेंस है जी. हिटलर ने ये कहा था ये मुझे दे दें मैं बर्तानिया पे हमला नहीं करूँ. वाह अच्छा इतनी जबरदस्त हिस्टोरिकल इसकी बात है ये. दूसरा दिन दे वैसे जीत गया हूँ ना आल ठेक ब्रिक बाय ब्रिक इसको लेकर जाऊंगा यहाँ बारिश शुरू हो चुकी है. वो बिल्डिंग है वो ये भी हिस्टोरिकल है. ये कौन सी बिल्डिंग है इसको क्या कहते हैं क्या ये चर्च है. और ये बस स्टेशन है मेरा ख्याल है. और साथ जो रिवर जो आपने बताया था वो ये जा वो जाते हुए हम दिखाएंगे. वो फ्रॉम स्टेशन है. तो वो फ्रॉम स्टेशन मैं सिंगल बैठे हूं. थैंक यू फोटो करना. यहाँ फोटो एक बार फिर मैं थैंक यू बोलूंगी बकौल इन सब लोगों के कि मैं उन लकी लोगों में से हूँ जो यहाँ पे ऊपर छत पे फ्लोर पे बहुत हाँ बहुत कम लोग आते हैं जो व्यू देखने आते हैं और मैं उन लकी लोगों में से हूँ. Thank you, sir. Once again, thank you. So this is children's services. Okay. In Rochdale, we've got adult care on the third floor. Okay. Where we were on second floor, we've got our environmental teams, our highways, our finance teams. So all these are officers that work for council. Okay. Basically, share kind of nizam hai. Ha. Ye different departments no. Hum sabhi yahi hai. यहाँ पे पूरे मुल्क का जो निजाम है शहर का रोशदिल का. अच्छा तो निजाम सारा इस बिल्डिंग से चलता है. ओके सो वी लुक आफ्टर 150,000 पीपल. 150,000 पीपल दे आर लुकिंग आफ्टर व्हिच इज कवर्स दैट्स ग्रेट बाय द वे. या इट कवर्स अ बिग रेंज ऑफ पीपल एंड वी कम अंडर ग्रेटर मैनचेस्टर. ओके सो वी इन ग्रेटर मैनचेस्टर वी हैव 10 टाउन्स एंड रोशदिल इज वन ऑफ द 10 टाउन्स इन ग्रेटर मैनचेस्टर. ओके That's great. ऑफिस भी दिखा दो उधर से. It's just that we just restored the town hall. It was closed for 3 years. Okay. And it reopened. When did it reopen? A few months ago. Okay. So the mass parlor will be there, but it's phase 3 of the project. So at the end of this year. अगर आप आते हैं ना तो जैसे king और queen की कुर्सी होती है ना उधर आपका shoot क्योंकि उनका जो makeup parlor वो time चाहिए हमें. Oh, so we need to come again अगर आपके पास time होगा क्योंकि वही time लगने वाला है. वो इन्होंने आज आपके लिए spare करके रखा हुआ था. Okay, तो हम late हो गए. हम late हो गए और वो आगे भी commitment है. Parking नहीं मिल रही थी. हाँ, चलें, आ जाएं. चलें. Okay, yeah. You need to find out. Her name is Alia Ali. Yeah, Alia Ali. Yeah. Be careful. Be careful. So you can ask whatever you want to ask. I just thought, oh, why not ask you? Because you see, honestly, you don't understand. You seem so familiar, and I was like, I need to ask him. Yeah. Wow. Where are you from? I'm from Pakistan. But She okay. born here actually. Yeah. No. I'm born in Pakistan. Born in Pakistan, which, but you settled city? Here, right? Sorry. Which city? Gujarat, main city of Gujarat. Okay. What are you? I'm from Karachi. आपने देखा होगा जहाँ पे शिपिंग लगा करती थी. जी 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 जी. तो ये पानी सारा उधर जाता है. वाओ बड़ा क्लीन पानी है. तो ये काउंसिल की नई बिल्डिंग है और इसको नंबर 1 दिया गया है.
Number one building in Rochdale. Wow. Number one Riverside. River का नाम भी बता दे क्योंकि मेरे जो फॉलोवर्स है ना फिर वो कहेंगे जहाँ पे झील देखी उसको जहाँ पे आबशार बहती देखी इसको आबशार बोल दिया झील बोल दिया ये तो दरियाए कुनार है और ये है ये वो है तो सर इसका कोई नाम भी तो होगा ना रोच वैली रिवर रोच वैली रिवर का नाम रोच वैली रोच वैली इसकी वजह से नाम लिया जाता है जब एक वैली है जिसके दरमियान से गुजरता है वो जो वाटरफॉल अदील भट तो वो वाटरफॉल ये हमारी जमीन से ये सारा हाँ जो वो माजी भाई के देखने जाएंगे वो बारिश दिन होगी जिस वक्त हम वॉक नहीं कर सकते आज हम वो बहुत हाँ। लेकिन वो हम घोड़े बाहर नहीं निकाल सकते हाँ, वो घोड़े इनके पास हैं जबरदस्त व्यू हाँ। घोड़ों को खिलाते हैं वो सेव वगैरह बारिश नहीं जब बारिश नहीं फिर बारिश जब नहीं अच्छा जी जहाँ जो बिल्डिंग मैं आप लोगों को दिखाकर आई थी जी, उस वक्त हम भागे रॉयल टाउन हॉल हमें जल्दी थी और उसके बावजूद हम लोग लेट हो गए जी, जी, इसका एक और पार्ट ब्लॉग का बनेगा वो हम फिर कभी बनाएंगे दोबारा हम लोग यहाँ पे आएंगे जहाँ पे किंग और क्वीन हम वहीं पे आएंगे दोबारा लेकिन वो दूसरा ब्लॉग और अभी हम लोग जा रहे हैं वही बिल्डिंग पे और वो बिल्डिंग क्या है वो हमें माजिद बताएंगे और मैं वहाँ पे पिक्चर्स भी बनाऊंगी और मैं टिकटॉक भी बनाऊंगी और एक और सरप्राइज आलिया के लिए उसके बाद एक और एक्सक्लूसिव मीटिंग है आलिया को अभी नहीं पता कि हम कहाँ जाने वाले हैं अदील थैंक यू सो मच पता सर कह रहे थे आपस में चौधरी चौधरी शुक्रिया बोलने जा रहे थे सीरियसली मैं आप लोगों का जितना थैंक यू बोलूं कम है जी ओ वाओ और देखिए ट्रू फ्रेंड्स वो होते हैं कि आप बोले मुझे यहाँ जाना और वो आपको लेके वहाँ पहुँच जाए अभी चले उधर ड्रेस भी ऐसा नहीं है ना हाँ नहीं वो शूज जो है ना शूज वो बड़े घोड़ों वाले पहनने पड़ते हैं उसमें जो शूज होते हैं ना जो वो उस तरह के वो करनी पड़ती है ड्रेसिंग प्रॉपर क्योंकि बारिश का है ना वो चीकड़ है ना नीचे तो इस वजह से वो पॉसिबल नहीं है चिकड़ा कीचड़ है कीचड़ उछालना चाह रहा था मैं एक्चुअली इसलिए चिकड़ बनाया उर्दू आपकी खराब हो गई है हाँ देख रहे शेप ऑफ टंग गाइस सॉरी फॉर दैट स्लिप ऑफ टंग ठीक है लगाए इसी का देखिए रफ्ट होती है ना हाँ। या जो फंबलिंग में होती है उन्हीं का तो मजा होता है जी, जी, जी। हम जो BTS लगाते हैं ना हाँ। वो हम अपने भंड निकाल के लगाते हैं ठीक हो गया हम परफेक्शन कभी भी नहीं लगाते परफेक्ट ही लगा देंगे तो उससे बेहतर आप लोग ड्रामा देख लें हमारा जी, जी, जी। तो हम भंड लगाते हैं हमने BTS में क्या किया और इस बार तो मैंने बहुत ज्यादा BTS छापे हैं पूरे ड्रामे के लोगों को बहुत मजा आने वाला जी ठीक हो गया आप थके ना ये बैड बॉयज भी आ गई है राइड और डाई वो पूछ रहे हैं राइड और डाई गाइस यू वांट अ राइड और डाई राइड 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 अभी हम मरना नहीं चाहते ओ वाओ आंसर दिस इज द बिल्डिंग सो 5 years गाइस दिस बिल्डिंग वाज रीस्टोरिंग और इस पे काम हो रहा था पत्थर बहुत गंदे थे एक एक पत्थर लिक्विड के साथ साफ किया गया इसको 5 साल कितने पैसे लग गए मज भाई अंदाजन पाकिस्तानी रुपीस में बता दें अगर कैलकुलेशन है अगर आपको मैथ्स अच्छा है आपको बचाने के लिए तो ये भी खड़ी है जो सिंग कर रही है वाह अरब ये दुबई वाले के सऊदी पाकिस्तान वाले आप कह रहे हैं अरब अरबों के हिसाब से ये आप ये अंदाजा कर को साफ करने के लिए 3-4 किस्म के ब्रश इस्तेमाल वाह और कॉन्सुलेट जनरल के साथ यहाँ पे मेला लगा रहे हैं जुलाई में जी इधर मेला लगेगा बिल्कुल हम सारा हमने बुक किया हुआ है अंदर भी तो वो पूरा हफ्ता हम सेलिब्रेट इंशाल्लाह सैटरडे नाइट इनका बहुत बड़ा चैरिटी शो होने जा रहा है बिल्डिंग है जी वाह उसके अंदर हो रहा है उस बिल्डिंग के अंदर जो है ना जी आपको दूर से नजर आ रही होगी गाइस अब आई कैन ब्रिंक वो भी इसी तरह की बिल्डिंग है So 250 years old है ये भी। बात बता दूं पूरे हिस्ट्री में कभी भी इन्होंने हमारे लोगों को ये जगह नहीं दी वाओ
उसकी वजह ये, जैसे हमारी जामिया मस्जिद होती है जी जी जी, ये सेंट चर्च है हमारा कैथीड्रल टाइप का, जबरदस्त। तो इनकी प्रेयर जो है ना वो जगह जहाँ पे ये प्रेयर करते हैं, तो उन्होंने हमारे बच्चों के लिए जो चैरिटी है उसके लिए पहली दफा यहाँ पे ढोल बजेगा, अमेजिंग गाने बजेंगे। सो वी आर वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ रॉचडेल हु अलाउ यू टू डू दैट। और एक बार फिर वो लकी मैं होंगी इंशाल्लाह। हाँ, आलिया स्पेशली जो है गेस्ट है हमारी, हाँ, हाँ, हाँ। पाकिस्तान से ट्रेवल करके आई है जी। वहाँ पे आलिया के साथ हमारे जो लॉर्ड कुर्बान साहब है, मेंबर ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड, जैसे आपके सेनेटर लंदन से, उसके साथ मिनिस्टर्स हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मेयर्स हैं, और रोचडेल की जो हाई एंड के डिग्निटरीज हैं, जैसे लीडर ऑफ द रोचडेल काउंसिल, डिप्टी लीडर ऑफ रोचडेल काउंसिल, फेमस हमारे भाई एंकर इकराल हसन साहब भी हैं, ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान ही इज कमिंग, तो स्पेशली फॉर दिस कॉज इकराल भाई का शुक्रिया अदा करते हैं ये स्पेशली प्रोग्राम अटेंड करने के लिए पाकिस्तान से रोचडेल में तशरीफ लाए। जबरदस्त, आए जी दिखाएं हमें जरा थोड़ा सा जो ब्यूटीफुल सिनेमैटिक व्यूज जो है इस बिल्डिंग के, जैसे आप बता रहे थे माजिद भाई, ये पहले यहाँ पे सड़क हुआ करती थी जी, यहाँ से गाड़ियां गुजरती थी जी, सड़क क्लोज कर दिया उन्होंने, वो सड़क सारी बंद करके जी ये लेन बनाया जी जी। और रोचडेल की हिस्ट्री की बात आपको बता दूं जी, पाकिस्तान और कश्मीर का फ्लैग रेज हुआ था जी यूके की गवर्नमेंट की तरफ से, वो रोचडेल टाउन था और यहाँ पे वाओ। तो जब भी पाकिस्तान 14 अगस्त और कश्मीर का दिन होता है यहाँ पे रोचडेल की ऑफिशियल जेंट्री और मेयर साहब यहाँ पे फ्लैग रेजिंग करते हैं पाकिस्तान का और कश्मीर का झंडा। और एक और इंटरेस्टिंग, आई नो दैट के रोचडेल और शाहीवाल की ट्विनिंग हुई हुई है। हाँ जी, हाँ जी, जी, जी। जिसके साथ तजारत बिल्कुल और टूरिज्म का भी एक सेक्टर जी 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 जी, एमओयू साइन हुआ जी जी, साहिवाल एंड रोचडेल। आई थिंक बहुत ज्यादा एड भी यहाँ से दी गई साहिवाल को, एम्बुलेंसेज, कंप्यूटर्स, और वी आर अवेयर ऑफ, ये होता है जब ट्रेनिंग करते हैं तो एक बजट होता है आपका, करवाएंगे अंदर, लेकिन आपका थोड़ा सा दिखा देता हूँ दरवाजे से जी जी। सो विजिट के लिए इस हिस्टोरिकल बिल्डिंग को इंशाल्लाह दोबारा आएंगे आलिया, तो अभी एक थोड़ा सा ग्लांस इनको देने वाला है। हम आज लेट हो गए वरना आज ही क्लियर हो जाता, आज ही हम कर लेते। हेलो, थैंक यू वेरी मच टू सेंडिंग अस टू मेयर। वाओ आलिया, दिस इज समथिंग अमेजिंग। आई थिंक फलक मैं खड़ी हूँ, एक पिक्चर भी आप जगह आज आपके लिए 20 मिनट के लिए रिजर्व की गई थी जी, आपको क्रिकेट का हिस्ट्री दिखानी थी। मैं कभी लेट नहीं हुई, मैं फर्स्ट टाइम लेट हुई हूँ पार्किंग की वजह से। तो दोबारा व्हाट काइंड ऑफ दिस हिस्ट्री, और वो सारा ऊपर फ्लोर भी है, ये जो जो हिस्ट्री है वो सारी डिस्प्ले हुई है। थोड़ा सा टाइम चाहिए आपको, तो ये मेरे साथ असल ऑफिस ये ठीक हो जो ओरिजिनल जहाँ पे बैठते हैं। हम कोशिश करेंगे, हम स्पेशल शूट करेंगे यहाँ पे जी। तो ये इधर बैठते हैं, फिर ये तस्वीर होती है यहाँ पे ऊपर। ये भी कहलाते हैं मेर जमान साहब हैं जी। भाई एक्चुअल हम लोगों ने यहाँ बैठना था जैसा कि बता रहे हैं, और मैं लेट हो गई इस वजह से। इस दरवाजे और ये लकड़ी का काम देखें आलिया, कैसा तो यहाँ करनी थी। वाओ, दिस इज अमेजिंग, समथिंग अमेजिंग, दैट्स समथिंग डिफरेंट। वाओ, तो अभी हम यहाँ पे शूट करवाएंगे इंशाल्लाह। ये आप टी देख रही हैं यहाँ पे बिल्कुल, और ये हिस्टोरिकल जितने भी इनके लीडर्स हैं उनकी बड़ी बड़ी पिक्चर्स लगी हुई हैं, उनके नाम भी लिखे हुए हैं। ये जेकब ब्राइट है, और ये ऑफिशियल चेयर्स हैं जितने ये लोगोस वगैरह लगे हैं ना यहाँ पे, आप चीजें गवर्नमेंट का, रॉयल फैमिली का जी। और ये आर्ट वर्क जो वुडन में किया गया लकड़ी में, बहुत खूबसूरत है। आप देख सकते हैं जेकब साहब, इनकी हिस्ट्री है, ये बोरो कौंसिल के 1856 का ये लिखा हुआ है। ये 250 साल पुरानी बिल्डिंग जी, ठीक है। ये हमारे फर्स्ट मेट थे जेकब जी, राइट, बिल्कुल सर। ये तो तस्वीर है जी, जबरदस्त सोल 250 साल पुरानी। और इस सर क्या है, ये हमारे इधर रेस्टोरेंट है। अच्छा, ये नया क्या
सो इट्स ये यहाँ की जो जो रेजिमेंट थी, आर्मी थी, उनके जो विनिंग चीजें हुई हुई हैं वो ये रेजिमेंट सिल्वर वेयर देख रहे हैं आप। हाँ, सिंबल है ये। सो अगेन आर्टवर्क ऑन द रूफ और ऑन द वॉल्स एंड दीज मिरर ग्लास। और मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ, आज तक किसी ब्लॉगर ने, किसी आर्टिस्ट ने ऐसी जगहों को नहीं दिखाया, कवर नहीं किया, और इसमें मेरी एफर्ट कम है, माजिद की और अदील की एफर्ट ज्यादा है, और वही लकी कि मैं किस शहर में, किस मुल्क में बैठ के, इंग्लैंड शहर में, इंग्लैंड मुल्क में बैठ के, मैनचेस्टर में आप लोगों को ये सब दिखा रही हूँ, और शायद जिंदगी में कोई यहाँ पे नहीं, ना आ पाए। बहुत कम गिने चुने लोग होते हैं फिंगर टिप से जो यहाँ आ सकते हैं, और इन्हें सीखना भी है। मजे वाली बात यह है कि आज वाकई आलिया बड़ी लकी है, क्योंकि आज हमारे पहले कश्मीरी और पाकिस्तानी जो मेज शकील अहमद साहब, उनकी अपॉइंटमेंट पिछले हफ्ते हुई है, तो आज ये पहली ऑफिशियल गेस्ट थी जिन्होंने बुक साइनिंग में की। और मजे की बात ये है, इनको इनकी जो इंटरटेनमेंट देखिए, इनको फर्स्ट सर्विंग टू इंटरटेनमेंट एंड द फिल्म इंडस्ट्री, यानी कि ये अवार्ड सर्टिफिकेट भी पेश किया गया मेज की तरफ से, और वहां पर और फर्स्ट सिटीजन का जो लोगो है, बैज है, वो भी उन्होंने इनको लगाया, तो ये बड़े ऑनर की बात है आलिया के लिए। उसके साथ साथ हमारे एडल्ट सर्विस के हेड, डिप्टी लीडर ऑफ रोचटेल काउंसिल और हेड ऑफ रोचटेल काउंसिल नील जो है वो भी उधर मौजूद थे, तो उन्होंने इनको बाकायदा वेलकम किया, उन्होंने इनको बाकायदा वेलकम किया, और आइंदा भी ये प्रॉमिस भी किया कि हम ऑफिशियली पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे, और मैं भी उनकी दावत रखूंगी इंशाल्लाह। बहुत बड़ी आप लोगों की भी, ऑफ कोर्स। अली अब तक कैसा लगेगा आपको जितना भी सफर आपका? उड़के दिखाई। हेलो, हाउ आर यू? हु इज शी? आई डोंट नो। ओके, दिस इज हिस्टोरिकल, द ओल्ड काउंसिल चैम्बर, डिस्कवर अ टेक्सटाइल आर्ट वर्क बाय सेल्फर्ड स्लो फैशन क्रिएटेड विद द बीएस। अब 5 मिनट रहेंगे, भागे, हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है, यहाँ विजिट करने चल भागे। Again, amazing. Amazing view. Amazing view. तो भाग के जाना पड़ेगा आपको। आप नीचे खड़ा रहिएगा ताकि पापा भी आपको वो जगह दिखाते हैं जहाँ पे हमारा अगला बड़ा शो होने जा रहा है। वाओ, वाओ, वाओ। Have you seen that glasses? Oh my God! Wow, you're excited. Hello sir. Are you okay? I've heard about you. Yes. Yeah. This is amazing, Alia. Amazing. Oh my goodness. Wow. Beautiful, Alia. जी, हम लोग अब यहाँ से जा रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, और थैंक यू सो मच मेरे व्लॉग्स देखने के लिए। और चौधरी साहब, थैंक यू। ओके जी, बाय बाय, लव यू ऑल।